नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ एक ख़ास बात शेयर करना चाहूँगा। आपकी अपनी फैक्ट्री है, आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ख़ास बातें जिससे कि आपकी फैक्ट्री अच्छी चल सके। आपकी फैक्ट्री साउथ फेसिंग है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। काम की जगह काम नहीं है, पैसे की जगह पैसा नहीं है, आपका सारा पैसा मार्केट में उधारी में फंसा हुआ है। ना तो आपको कच्चा माल मिलता है, कच्चा माल मिल जाता है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनता, बार बार माल बनने में दिक्कत आ जाती है, माल सेल होने में भी दिक्कत आती है, माल उधारी में ज़्यादा जाता है, कैश पेमेंट कम आती है। ऐसी परेशानी आपके साथ चल रही है, तो अब भी मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा। जस्ट मैंने अभी एक साइट विज़िट की, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उनकी फैक्ट्री भी साउथ फेसिंग थी। मैंने उनको सिर्फ एक ही काम बताया कि आप अपने यहाँ पर अकेला एक काम कर लेते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपकी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। जो परेशानी आपके यहाँ चल रही है वो परेशानी आपकी कुछ ही समय में निकल जाएगी। एक बार तो आप ये मान के चलिए पानी में डूब रहे हैं और आपकी नाक भी पानी के अंदर जा चुकी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप अपने यहाँ पर ये काम कर लेते हैं तो आपकी गर्दन पानी से बाहर आ जाएगी, सांस लेने का रास्ता मिल जाएगा। फिर आप विचार कर सकते हैं कि आपको अपने यहाँ पर क्या क्या करना है। आपकी फैक्ट्री साउथ फेसिंग है तो आप अपने यहाँ पर क्या करें, जो उपाय मैंने उनके यहाँ बताया वही उपाय आज मैं आपको बताना चाहूँगा। आपकी फैक्ट्री साउथ फेसिंग है, आपने अपनी फैक्ट्री का बिल्कुल बैक साइड का एरिया कवर्ड एरिए में और ओपन एरिए में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लेकर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक नॉर्थ की दीवार के साथ जो भी सामान रखा हुआ है, चाहे आपने अपने वहाँ पर मोल्ड रखे हुए हैं या कोई और सामान रखा हुआ है या आपका रॉ मटेरियल रखा हुआ है या आपने कुछ और सामान वहाँ पर लगाया हुआ है, तो मैं कहना चाहूँगा कि उस सारे सामान को वहाँ से जरूर हटाएं। वहाँ से सारा सामान हटाकर आप अपनी फैक्ट्री के साउथ में, साउथ वेस्ट में रखेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी फैक्ट्री एक बार को जरूर चल जाएगी, अच्छी चल जाएगी। ये कहते हैं ना, गाड़ी बंद हो गई है और गाड़ी को धक्का मार दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो वो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी वो गाड़ी आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगी। जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाए तो आप अपनी गाड़ी को दोबारा से ठीक कराएं। कहने का मतलब ये है कि आपकी फैक्ट्री में दिक्कत आ रही है, आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो ये काम अपने यहाँ पर जरूर करें। जब आपको रिलीफ मिले तब आप अपने यहाँ पर और भी वास्तु के उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपकी फैक्ट्री अच्छी चल जाए। आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, कहीं से कोई तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। आपको लगता है कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर ये छोटा सा बदलाव जरूर करके देखें। फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके पास कहीं से कहीं तक कोई रास्ता है ही नहीं, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, तो आप वो सारा सामान नॉर्थ वॉल से हटाकर साउथ जोन में जरूर लेकर आए, तो आपकी गाड़ी को धक्का एक बार जरूर लग जाएगा। मैंने अपने YouTube चैनल पर 380 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आप अपने किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपने किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विज़िट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विज़िट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।